वेलकम टू गालबाज दोस्तों। तो डायरेक्टर अनुभव सिन्हा साहब एक और सोशल कमेंट्री करती फिल्म लेके आ गए हैं। इस बार भी सिन्हा साहब अपनी पिछली फिल्म्स यानी मुल्क, थप्पड़, आर्टिकल 15 और अनेक की तरह हमको हार्ड हिट कर पाएंगे या इस बार हार्डली हिट होगा। अंग्रेज हिंदी हिंदी मतलब सीधा सीधा ये है कि ये फिल्म उनकी पिछली फिल्म्स की तरह हमको सोचने पे मजबूर करेगी या नहीं, आइए जानते हैं। यार सबसे पहले तो कोई ये बताएगा कि सिन्हा साहब इतनी जल्दी फिल्म्स कैसे बना देते हैं। खैर तो फिल्म उस एक दिन की कहानी बताती है जब बाहर काम करने वाले मजदूर अपने घर जाना चाह रहे हैं लेकिन प्रदेशों की सीमाओं के बाहर रोक दिए जाते हैं। वहीं पर कुछ किरदारों के सहारे सिन्हा साहब ने इस सिचुएशन पर टिप्पणी करने की कोशिश की है, कॉमेंट्री की है। तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं। यह फिल्म किसी चीज पर कटाक्ष व्यंग से ज्यादा एक सवाल आपसे कर रही है कि अगर आप इस परिस्थिति में होते तो क्या करते, आपकी नैतिकता किस तरह काम करती, क्या आप पहले अपनी जान बचाते या औरों के बारे में सोचते। यही इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म कुछ इसी तरह से किरदारों के ग्रे शेड दिखाती है। क्लियर बताना। ऐसे समझो कि आपका कोई अपना बीमार है लेकिन मेडिकल बंद है और आपको दवाई चोरी करके लानी पड़ेगी। अब बताओ क्या सही, क्या गलत, क्या काला, क्या सफेद, इसी वजह से इनको ग्रे शेड कह देते हैं। जैसे दिया मिर्जा के किरदार को ही ले लीजिए। उनकी अपनी बेटी हॉस्टल में फंसी है, उनको उस तक अपने हस्बैंड से पहले पहुंचना है क्योंकि दोनों मियां बीवी अलग हो रहे हैं, तो बालक पे पहले शायद जो पहुंच जाएगा कस्टडी उसकी हो जाएगी। अब बताओ कौन गलत कौन सही। ये तो मैंने एक बात बताई, लगभग सभी किरदारों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में जातिगत टिप्पणी भी की गई है लेकिन उसको भूल के सभी इंसान हैं और फिलहाल इस अफरा तफरी में सबको एक दूसरे की मदद करनी है, इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस बार अनुभव सिन्हा साहब थोड़ा सजग मालूम हुए हैं, ऐसा फील हुआ कि वे अपनी बात खुल के नहीं कह पा रहे हैं। इसकी वजह से फिल्म छोटी भी लगती है और ये चीज आप इस फिल्म का क्रिटिसिज्म मानो। खैर आगे बढ़ के परफॉर्मेंसेस पर आते हैं। सिन्हा साहब की फिल्म हो और परफॉर्मेंसेस अच्छे ना हो, ऐसे होने की संभावना तो बहुत कम है। इस लंबी चौड़ी स्टार कास्ट में शो स्टीलर तो पंकज कपूर साहब निकले। एक माइग्रेट वर्कर की लाचारी, पुलिस के सामने हाथ जोड़ने से लेकर पेट की खातिर बंदूक उठाने तक सब कुछ क्या शानदार ढंग से निभाया है उन्होंने। परेशानी से लेकर अकड़ तक सब दिखा है उनके कैरेक्टर में। चेहरे पर भाव तो एक्टर्स दिखा ही लेते हैं लेकिन शरीर से नहीं दिखा पाते। उनकी इस किरदार की फिजिकल एक्टिंग अपने आप में एक मास्टर क्लास थी। उनकी यही कला उनको गुड से द ग्रेट एक्टर बना देती है। आप लोगों के हिसाब से उनकी बेस्ट फिजिकल एक्टिंग किन किन फिल्म्स में है बताना कमेंट करके। उनको एक जैसे ही किरदार मिल रहे हैं आजकल, वही कस्बे में रहने वाला पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड पर्सन लेकिन फिर भी वो हर बार अलग लगते हैं। पिछले किसी किरदार की याद नहीं आई मुझे, वे पंकज कपूर और आशुतोष राणा दोनों के सामने बराबर टक्कर देते नजर आते हैं। स्पेशली पंकज साहब के साथ जुगलबंदी करते देखकर तो बहुत मजा आया। उनके किरदार के सहारे कई रियलिटी चेक देने की कोशिश की है सिन्हा साहब ने, चाहे वो मीडिया वालों से हो, अपनी लव लाइफ में हो या फिर माइग्रेट वर्कर्स से हो। उनका ये परफॉर्मेंस अलग ना होते हुए भी अलग है, यही उनकी कला है। आशुतोष राणा, भूमि, दिया मिर्जा, इन सभी एक्टर्स के इतने बड़े रोल नहीं है लेकिन इतनी बात है इन सभी किरदारों का एक सीन आपको डेफिनेटली याद रह जाएगा। ये खूबी है इस फिल्म की। वो दिया मिर्जा का एक सीन जब वो एक बच्ची को देखकर अपने ड्राइवर से बोल रही है, गिरी है मरी नहीं है, ये मेरे दिमाग में अभी तक घूम रहा है। आप बताओ आप कौन सा सीन भूल नहीं पा रहे हैं कमेंट करके। क्या बढ़िया परफॉर्मेंस है इसको, बढ़िया राइटिंग और स्क्रीन प्ले का भी साथ मिला, चलिए जानते हैं। सिन्हा साहब अच्छे से जानते हैं कि ट्रू इवेंट्स को कैसे दिखाना है, वो भी आपको बांधे रखकर। इस बार भी ऐसा ही हुआ। शुरुआत के कुछ समय को छोड़ दें तो इसका स्क्रीन प्ले आपको बांध लेता है और जैसे जैसे एक चेक पोस्ट पे भीड़ बढ़ रही है, वो लोग परेशान हो रहे हैं, टेंशन बढ़ रही है, वैसी वैसे हमारी टेंशन भी बढ़ रही है। हाँ इसकी ओपन एंडिंग लास्ट में आपके विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि कहानी का अंत कैसे हुआ होगा। ये चीज शायद कुछ दर्शकों को खल सकती है, मुझे तो नहीं खली, आप अपनी राय बताओ। साथ में ये भी बताना कि आपके हिसाब से एंडिंग में हुआ क्या। यार मजे की बात यह है कि इस छोटी सी फिल्म में कई सारे किरदारों ने एक आर्क फॉलो करी है, मतलब इस घटना के बाद उनकी जिंदगी या वो बदल गए हैं। जैसे भूमि के किरदार के आपसी द्वंद मतलब कंफ्यूजन कि मैंने इससे प्यार सही किया या नहीं, वो राजकुमार राव को इंचार्ज बन के काम करते हुए देखकर दूर हो जाते हैं। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं फिल्म में। इस फिल्म की कहानी एक ही दिन और लगभग एक ही जगह पर सेट है, इसके लिए भी मजबूत लिखावट की जरूरत होगी जो कि आपको यहां मिलेगी। चलो उनके डायरेक्शन के एक दो पॉइंट्स और बचे हैं उन पे बात करते हैं। वो आर्टिकल 15 में नहीं कहती एक लड़की कि हमको सोसाइटी में ऐसे लोग चाहिए जो हीरो का वेट ना करें। आयुष्मान और ईशा के कैरेक्टर में नहीं चलती रहती थी इस तरीके की डिबेट्स, कुछ इस तरीके की डिबेट्स यहाँ पर भी हैं, स्पेशली वो मीडिया के लोगों के बीच में, जो कि देखने लायक हैं।
वैसे हीरो वाला एक डायलॉग यहाँ भी है। हमको भी हीरो बनना है। सिनेस आपकी फिल्म्स में कलर पैलेट्स भी अलग कहानी कहते हैं। इस बार तो उन्होंने कलर ही उड़ा दिए हैं, जिसकी वजह से एक जरूरी अनईज आ गई है। मतलब इसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। फिल्म की कई इमेजेस, जैसे लोगों के पैरों में पड़े छाले, आपको अनकंफर्टेबल कर देती हैं। कहीं ना कहीं सिन्हा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि इन इवेंट्स को आप जितना पुराना मान बैठे हो, वे इतने पुराने नहीं हैं। और सिन्हा साहब अपनी फिल्मों में ड्रामा और रियलिटी का संतुलन तो बखूबी करते ही हैं। उनका खुल के ना कह पाना कहीं ना कहीं आपको खलेगा जरूर, जिसकी वजह से उनकी सोशल कमेंट्री वाली फिल्म्स की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें ये फिल्म ऊपर तो नहीं आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खराब फिल्म है। आप कैसे रैंक करेंगे उनकी फिल्म्स को, बताना कमेंट करके। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करते जाना, और आपके जो भी सजेशंस हो वो भी बताना कमेंट करके। मिलेंगे नेक्स्ट वीक भोला के रिव्यू में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।